अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग सदा फैद ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो गाइज, आज मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ बकरीद स्पेशल की सबसे पहली रेसिपी, मटन चना दाल रेसिपी, जो कि हम मटन को चना दाल में बनाएंगे या बीफ में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने मटन ही इस्तेमाल किया है, और अगर आपके घर में कुर्बानी मटन की नहीं हुई है, बीफ की हुई है, तो आप बीफ में भी इस रेसिपी को सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। वो मैं आपको बीच में बता दूंगी रेसिपी में कि अगर बीफ है तो क्या करना है और मटन है तो, क्योंकि थोड़ा सा इनके जो गलने का जो टाइम है, जब ये पकती है जो, उसके टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो मैं आपको रेसिपी के बीच में ही बता दूंगी। तो गाइज, मेरे चैनल पर बने रहिए ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें आगे आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि मैं बकरीद स्पेशल की बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, और मैं बाकी चीज़ें भी, जैसे कि मैं कुछ पॉजिटिव वीडियोज़ ताकि जो हमारी थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो सके, तो ऐसे कुछ वीडियोज़ भी मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर, और मैं अपने व्लॉग्स भी, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी अपलोड करती हूँ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़, और मेरे वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए लोगों तक। और आप लोगों का मैं एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चले आए, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो इस यकीन के साथ में, और मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे यकीन है आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो गाइस, चले आए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, मटन चना दाल। तो मटन चना दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, और हमें ये कुकर में ही बनाना है क्योंकि हमें इसमें सीटी लगानी है, गोश्त है ना इसलिए। तो उसमें हम ऑयल डालेंगे, और उसके बाद में हम ज़ीरा डाल देंगे, और उसके बाद खड़े गरम मसाले हम इसमें डालेंगे, जैसे दालचीनी और लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद में फिर हम इसमें प्याज डालेंगे, और यहाँ मैंने एक प्याज ली थी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितना मैंने मटन लिया है इसमें। और उसके बाद इसको हल्का सा बस फ्राई करेंगे, ये मैं आपको बहुत जल्दी वाला वर्जन बता रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून, और फिर हम इसमें मसाले डाल देंगे पिसे हुए, जैसे कि हम इसमें नमक डाला है हमने, और इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, फिर उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और यहाँ मैंने 4 स्पून धनिया पाउडर इसलिए डाला था क्योंकि मेरी इसमें धनिया पाउडर एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है गोश्त में, जब भी हम गोश्त बनाते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे, और इसको गोश्त डालकर बहुत अच्छे से हम इसको भूनेंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर अराउंड 1 kg मैंने गोश्त लिया था इसमें, और उसको अच्छे से मैंने भून लिया था 2-3 मिनट। और भूनने के बाद में फिर देखिए, इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे, मतलब इसको छोड़ना नहीं है हमें बहुत देर के लिए नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से भूने, क्योंकि मैं आपको ये बहुत जल्दी वाला वर्जन बता रही हूँ ना। तो इसको हमें वो नहीं है कि हमने भूनने के लिए थोड़ी देर मसाला छोड़ दिया, वो भून रहा है ये वो, नहीं, इसको आप फटाफट बना सकते हैं, ये बिल्कुल बैचलर के लिए परफेक्ट रेसिपी है बहुत जल्दी में बनाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने भून लिया, और फिर मैंने दाल ले ली थी, दाल को मैंने जो चने की दाल थी, क्योंकि हम चने की दाल गोश्त बना रहे हैं, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, जैसे कि आप 1/2 आवर के लिए उसको भिगो सकते हैं, और आपको बहुत जल्दी है तो आप 10-15 मिनट के लिए भी उसको भिगो सकते हैं, जबकि आपका गोश्त बनेगा ये सब फ्राई होगा, तब तक के लिए आप अपनी दाल को भिगो कर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत देर के लिए भी ज़रूरत नहीं है। बस आप उसमें क्या करेंगे कि 10 मिनट आप भिगो दें और 15 मिनट, और फिर बना लें आप। तो यहाँ मैंने दाल डाल दी थी इसमें, और थोड़ा सा पानी डाल दिया, देखें इस हिसाब से कि इतना ये डूब रहा था बस उसमें पानी में, तो आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया और उसको रख दिया ढककर। तो फिर उसके बाद में हम हल्की आंच पर हम इसको ढककर रख देंगे, और उसके बाद में हम जब हमारी सीटी आ जाएगी
मतलब मीडियम पे रखना है हमें, उसके बाद हमें हल्की आंच कर देनी है। और उसके बाद हमने इसमें कम से कम 4 सीटी मैंने इसमें दी थी, और देखिए उसके बाद ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा अच्छे से। देखिए हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे जब सीटी पूरी हमारी निकल जाएगी उसके बाद में। तो अब हमने गरम मसाला नहीं डाला था, गरम मसाला अब हम डालेंगे। और हरी मिर्च भी, अगर आपको दिल है थोड़ा सा तीखा खाने का तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये मैंने 1 स्पून गरम मसाला डाल दिया था इसमें, क्योंकि गरम मसाला हमें हमेशा बाद में डालना चाहिए ताकि उसकी खुशबू रहे हमेशा। तो इस तरीके से मैंने डाल के उसको हल्का सा चला लिया, और उसमें बस और पकाया नहीं मैंने उसको, बस चला के उसको बंद करके रख दिया था 2-3 मिनट, और उसके बाद मैंने ये डिश आउट कर लिया था। तो ये हमारा बन गया था मटन चना दाल, जो कि बहुत टेस्टी बना था। और इसको हम नान के साथ और सिंपल रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मटन की ऐसी ही अच्छी अच्छी डिशेस देखने के लिए आप मुझे फॉलो करिए, और मैं बकरीद स्पेशल जो मेरी सीरीज़ है उसमें डालती रहूँगी अपनी ये जो भी रेसिपीज़ हैं, तो उसे देखिए और इंजॉय करिए। थैंक यू। लगा होगा और बहुत इजी भी लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत तामझाम के साथ नहीं, बहुत इजी तरीके से, बहुत ही देसी तरीके से मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिखाया है, ताकि जो बैचलर्स हैं वो भी बहुत इजीली इस वीडियो को बना सकें, अपने घर से जो दूर हैं उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए। तो बहुत तामझाम नहीं करते हुए बहुत सिंपल वे में आपको ये वीडियो मैंने बना के दिखाया है, और मुझे यकीन है कि आप अपने घर पे ज़रूर इसको बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी डिश होती है, बहुत टेस्टी लगती है। और सब लोग इंजॉय करिएगा, आप लोग ये बनाइएगा ज़रूर ईद पर अपने गेस्ट के लिए, क्योंकि कोरमा और बिरयानी खा करके तो सभी बोर हो जाते हैं, क्योंकि हर घर में यही मिलता है। कुछ डिफरेंट बनाइए, कुछ डिफरेंट अपने गेस्ट को खिलाइए। तो चलें, आपकी बकरीद बहुत अच्छी गुजरे इस यकीन के साथ में, इस दुआ के साथ में मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।